friends there. So she meets Maya Biyani, who introduces her to this group, जिन्हें हम क्वींस कहते हैं. एंड आई एम द यंगेस्ट एंड न्यूएस्ट मेंबर इन दिस ग्रुप. तो स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दैट, यू हैव सीन द एपिसोड. तो या दैट्स अबाउट इट. एंड आई आल्सो गेट अ टाइटल बोल्ड क्वीन आल्सो, दैट यू विल सी इन द शो. आई वोंट टॉक मच अबाउट इट. सो शो देखना. थैंक यू सो मच. ओके वेल गाइस, आपने झांसी की रानी के बारे में तो सुना होगा राइट. तो कौन अच्छा शॉर्ट स्टेज दिल से क्वीन है, हम दिल से क्वीन है, बचना है. हेलो एवरीबॉडी, मेरी रियल नेम है पत्रागी चट्टोपाध्याय, आई एम बंगाली. और मेरा जो कैरेक्टर है आकांक्षा बैनर्जी झा, वो भी बंगाली है. मैं एनजीओ चलाती हूँ और मेरा पति घर चलाता है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दुनिया वालों को प्रॉब्लम हो सकता है. इज अ स्ट्रगलिंग नोवलिस्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम. आई वॉन्ट हिम टू टेक हिज ओन टाइम, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कुछ अच्छा करने के लिए टाइम तो लगता है, बट स्टिक टू दैट. मेरा एक बच्चा भी है और क्वींस मुझे प्यार से क्रांतिकारी क्वीन बुलाते हैं, क्योंकि मैं एनजीओ चलाती हूँ और कहीं पे भी कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती. इमिडिएटली आई प्रोटेस्ट, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों हो रहा है. एंड क्वींस बोलते हैं कि अरे एडजस्ट कर लेना यार, पर मुझे तो एडजस्ट करना ही नहीं है. आई एम हैप्पीली मैरिड. और आकांक्षा सोसाइटी के लिए, औरतों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, क्योंकि शी बिलीव्स वुमेन आर इक्वल इन द सोसाइटी एंड देयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वली गुड एज मेन. तो या दिस इज माई कैरेक्टर. और आकांक्षा बैनर्जी झा जब सोसाइटी के सामने होती है बहुत स्ट्रिक्ट होती है, प्रिंसिपल फॉलो करती है, पर जब क्वींस के साथ होती है बिल्कुल बिंदास होती है, चिल्ड आउट होते हैं, वो हंसती है, रोती है, फ्रस्ट्रेशन निकालती है. तो ये ऐसा एक ग्रुप है जहाँ पे वो खुल के कुछ भी कर सकती है, क्योंकि घर पे वो एक वाइफ है, एक मदर है, सोसाइटी के सामने शी हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, क्योंकि सोसाइटी के बहुत सारे लोग उसे फॉलो करते हैं. क्वींस के सामने शी कैन बी हरसेल्फ. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर शो, बीइंग योरसेल्फ, बीइंग हैप्पी, क्योंकि आप खुद खुश नहीं हो तो किसी को खुश नहीं कर सकते. या दैट्स इट. थैंक यू सो मच. स्टेज है और मैं इस शो में जानवी सेठ का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि कॉर्पोरेट क्वीन है. मेरी क्वीन मेरे को कॉर्पोरेट क्वीन बुलाती है. जानवी बहुत ही कम एज में अहमदाबाद से दिल्ली शिफ्ट हुई थी विद अ ड्रीम, विद अ डिटरमिनेशन इन हर माइंड कि उसको यंगेस्ट अचीवर ऑफ द कंट्री बनना है. अपने ऑफिस में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही बॉसी है. शी डजंट लाइक कि उसके साथ में कोई भी लापरवाही कर रहा है काम से रिलेटेड. सबको ऐसा लगता है उसमें कि मैम जानवी मैम जो है वो मस्ती नहीं करती है, बहुत स्ट्रिक्ट करती है हमेशा. पर शूट कर रहा जानवी बहुत ज्यादा पार्टी करती है, अपने क्वींस के साथ कोई कमी नहीं छोड़ती है पार्टी करने के लिए. और बिल्कुल वो भूल जाती है कि वो एक ऑफिस में काम करती है. एंड शी हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, अपने क्वींस के सामने वो बहुत ही बिंदास हो जाती है. One more thing I'd like to add, we are missing our favorite and cutest queen. She's kitchen queen. Kenisha Bhardwaj. The real reason is उसको actually घर पे इतना काम था, उसके लिए परिवार number one है और फिर queens और फिर जो भी खुशियाँ उसकी, और उसकी पहली खुशी है उसका परिवार. इसीलिए उसे बड़ी सी दावत देनी थी, उसके घर पे कुछ गेस्ट आ गए तो वो खाना बना लिए एज यूजुअल. आई मीन एनी केस पार्टी हो जिसके भी घर पे, आप तानिया टंडन को पाएंगे किचन में. हर रियल नेम इज केनिशा भारद्वाज और वो हमारी सबसे क्यूट क्यूट है किचन नॉट क्वीट हो गया सॉरी. बट शी इज रियली अंदर वो बहुत मेहनत कर रही है, 13-14 घंटे शूट करती है बेचारी. एंड शी इज फॉलन सिक ऑन द मेन डे. सो प्लीज प्रे फॉर हर एंड प्लीज डोंट मिस हर आउट. ओके थैंक यू. वी आर मिसिंग यू टीटी, वी आर रियली मिसिंग यू. वी लव यू टीटी. ओके क्वींस, मैंने ऐसा सुना है कि जैसे कोई नया मेंबर आपके क्लब में आता है तो आप उनकी क्लास लेती हो राइट. बिल्कुल. सो आई थिंक करती अभी आप करते हो, लेट्स डू इट विद द मीडिया. उनकी भी क्लास लेना चाहोगे आप, क्योंकि शी इज द न्यू. हां एग्जैक्टली,
newest member, तो उसे चांस नहीं मिला गया. So let's give her a chance. Yes, let's do it. Guys, I'll call out three names. Please come forward. First name is Nikki. Who is Nikki? Nikki is right there. Nikki! Yay! I'd like Letty also to come on stage, please. Come on, Letty. Come on. Okay, no Letty. Stage. दिस इज माया और माया सबको चलना सिखाना सिखाती है. आप थोड़ा माया जी को सिखा दीजिए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं. यू बी ब्लाइंड फोल्डेड और आपको आंख बंद करके ये टास्क करना है, मेकअप करना है इनका. Please अच्छे से सिखा दीजिए इनको. Come on, Nikki. And to make the task even more dramatic and competitive, we're gonna have a time limit. So what do we say? 45 seconds? 1 minute? One. Let's cheer for Nikki. Nikki, come and come here. Who's giving the time? Well done, Nikki. But you never know, if somebody is worse than you, you can win this. Thank you. Okay, the second contestant. Big Queen boss, Chandi Ghosh. Queen's Chandi. And stop. Your time limit, Nikki. And your time starts now. Come on. Oh, hey, can I put the title in there? I need a little less. Ah, say. You're not supposed to be it's a ploy. Come on, Neelakri. Oh no, 25 seconds. Yes, yes, wow. Wow. मैं आपको सच बोल रही थी आज नहीं, पर
5 seconds more. 5. Can we have some cheering for Prachi ji, please? Patwali Chattopadhyay and I am playing the character of Akanksha Banerjee Jha. She is Bengali, she is happily married. Uska ek bachcha bhi hai, bahut cute, 5 saal ka. And wo ek NGO chalati hai. Aur wo ye believe karti hai ki women are equal in this society, they have equal contribution in this society. Wo aurton ke liye kuch karna chahti hai. Aur aisa nahi hai ki sirf aurton ke liye karna chahti hai. Because this is a male dominating society, she believe in that. Aur wo kuch bhi kahe ki bhai galat ho, to wo bardasht nahi kar pati. एंड क्वींस के सामने शी इज़ टोटली अपोजिट पर्सन. क्वींस के लिए वो कुछ भी कर सकती है. क्वींस के सामने हंसती भी है, रोती भी है, फाइट भी करती है, फ्रस्ट्रेशन भी निकालती है. तो सबके साथ भी आई गेस दर्शक जो भी ऑडियंस है दे कैन रिलेट टू इट, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा होता है. दे हैव अ फ्रेंड ग्रुप जिसके सामने दे कैन बी देमसेल्फ. रोना भी है, लड़ना भी है, झगड़ना भी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर शो. Hi, I'm Jia Shankar and I'm playing Shreya Rathore's character in this. Shreya Rathore ये मुंबई based लड़की थी. वो मॉडल रह चुकी थी एंड देन वो दिल्ली शिफ्ट हो जाती है सिंस शी गेट्स मैरिड टू रॉयल पॉलिटिकल फैमिली.
और फिर वो रॉयल पॉलिटिकल फैमिली में शादी होने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इट्स लाइक मॉडल थी रॉयल पॉलिटिकल फैमिली, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, उसे बहुत रोक टोक है, बहुत ध्यान रखना है कि वो कहाँ क्या बोल रही है, मीडिया कैप्चर ना कर ले, कहीं पानी पूरी भी नहीं खा सकती, सांस भी नहीं ले सकती क्योंकि सांस मार डालेगी तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है. देन शी मीट्स माया बियानी जो जिसने ये ग्रुप बनाया है. तो दे फोर आर ऑलरेडी फ्रेंड्स. मैं न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट मेंबर, आई एम द न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप. तो स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दैट एंड बहुत सारे हम फन करते हैं. मेरी लाइफ में एक बहुत अलग साइड देखने मिलेगा और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है. सो देर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, आई कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, सो आई गिव इट टू या. Hi, my name is Shelly Priya and I'm playing the character of Janvi Seth, जो कि एक corporate queen है. Janvi बहुत ही determination के साथ अहमदाबाद से दिल्ली आई थी क्योंकि उसको बहुत चीज़ें अचीव करनी थी लाइफ में, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करती है. सबको ऐसा लगता है उसके ऑफिस में कि Janvi बहुत ही बॉसी है, Janvi बिल्कुल भी मस्ती नहीं करती, उसके सामने कोई जोक्स क्रैक नहीं कर सकते. बट जब वो अपने क्वींस के साथ होती है तो वो अपने सारे काम को भूल जाती है, सारी मीटिंग्स भूल जाती है और खूब सारी मस्ती करती है. और हमारे शो में बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स आपको ऑफ अ वुमेन देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही वाइब्रेंट है. हमारे बीच हमारी स्वीटेस्ट क्यूटेस्ट केनिशा भारद्वाज जिनका नाम है और वो तानिया टंडन का कैरेक्टर प्ले कर रही है, हमारी किचन क्वीन, वो नहीं आ सकी यहाँ पे क्योंकि क्योंकि वो शूट कर रही थी लगातार एंड शी इज़ रियली सिक. अभी अभी वो हमें बहुत मिस कर रही है और हम भी उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं. तो वी रियली रियली वांट यू ऑल कि आप उसे भी याद रखें और तानिया टंडन का नाम बिल्कुल ही सबके दिलों में बस जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. अगर रियल लाइफ में मैं बोलूँ तो आई एम मोर इन टू क्रिएटिविटी. तो आई लव क्रिएटिविटी, आई लव आर्ट, आई स्केच, आई पेंट. तो आई वुड से द क्रिएटिव वन, द क्रिएटिव क्वीन, queen of creativity. Me, I'll what queen? Thinking queen, she's still thinking. Yeah, I think a lot. I'm a thinking queen. I would say I can handle any situation in real life, so I would like to tag myself as brave queen. नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं. इट्स लाइक हम लोग जब अपने मी टाइम में होते हैं और हम अपने दिल की सारी बातें शेयर करते हैं और द बेस्ट पार्ट इज उसका सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले को उससे एक मैसेज ऑल मिल जाता है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि वी एक्चुअली वांट टू डू दैट, बट वो एक बातों में ही, हंसी मजाक में ही वो एक मैसेज मिल जाता है. तो इट्स नॉट लाइक कि हम लोग कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं सोसाइटी के ऊपर कि नहीं ये बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए. सब कुछ साथ में रख के बैलेंस करते हुए एक चेंज लाने की कोशिश करते हैं, वो भी मस्ती करते के साथ साथ. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रियलिस्टिक शो जो कि फर्स्ट ऑफ इट काइंड है. और जैसे कि आपको कॉन्टेंट देखने को मिलेगा, इट्स वेरी सिमिलर बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट. एंड सिंस यू नो दे आर फाइव डिफरेंट कैरेक्टर, फाइव डिफरेंट ट्रैक्स, तो लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बोर हो रही हूँ मैं, कुछ ट्रैक में चेंज ही नहीं आ रहा है. दे फाइव डिफरेंट लाइफ, फाइव डिफरेंट शेड्स, फाइव डिफरेंट गर्ल्स विद देयर फैमिली, सो या इट्स क्वाइट डिफरेंट. श्योर, ओके, 3, 2, 1, रियल स्टोरी ज़्यादा